एवरीवन, मैं हूं मधुश्री। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन ब्यूटी बीट्स। तुम्हारे सबाई के पूजोर अग्रिम शुभेच्छा एंड हैप्पी नवरात्रि। दोस्तों, आज से मैं पूजा एंड नवरात्रि स्पेशल मेकअप सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैंने ये पंचमी स्पेशल मेकअप लुक क्रिएट किया है, जो क्रिएट करना है बहुत ज्यादा आसान। दोस्तों, मैं मेकअप रिलेटेड वीडियोस के साथ साथ ब्यूटी टिप्स भी शेयर करूंगी, तो मेरे सारे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप बहुत सारे ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस देख सके एंड मेरे दोस्त भी बन सके। दोस्तों, आज मैंने जो ये पंचमी स्पेशल मेकअप लुक क्रिएट किया है, वो क्रिएट करना है बहुत ज्यादा आसान। दोस्तों, हम जो बंगालीज होते हैं, वो नॉर्मली चतुर्थी, पंचमी एंड षष्ठी पे ही जो बिग पैंडल्स होते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा क्राउड होता है, वहां पर हम ठाकुर देखने के लिए जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वहां पर कंफर्टेबल क्लोथ्स ही पहने, और मेकअप भी मैंने बहुत ही इजी किया है, ताकि आपको गर्मी में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो पंचमी एंड षष्ठी का जो लुक होगा, वो थोड़ा सा कंफर्टेबल एंड थोड़ा सा इजी होगा, एंड अष्टमी एंड नवमी के लिए मैं और भी बहुत ज्यादा ग्लैमरस लुक क्रिएट करने वाली हूँ। तो मेरे वो सारे वीडियोस भी जो आगे आने वाले हैं, उनको आप जरूर देखना। तो चलिए, आज देखते हैं इस पंचमी स्पेशल लुक को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए एंड एज अ मेकअप प्राइमर में वाओ का एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ। ये मेरे फेस को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ मेरे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने में भी हेल्प करेगा। उसके बाद हम आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैं मेबलिन का फिट मी कंसीलर इन द शेड 10 लाइट यूज कर रही हूँ एज अ आई शेडो बेस। उसके बाद हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद मैं लैक्मे का कॉम्पैक्ट यूज करके इसको अच्छे से सेट कर लूंगी। ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद मैं मेबलिन का क्रीम आईब्रो पेंसिल यूज कर रही हूँ इन द शेड ब्राउन, और मैं अपने आईब्रोज के गैप को थोड़ा सा फिल कर दूंगी। उसके बाद मैं स्पूली की मदद से अच्छे से इसको सेट कर लूंगी। उसके बाद मैं आई शेडो के लिए सबसे पहले शिबाना कलर्स का मेकअप स्टूडियो पैलेट यूज कर रही हूँ, और मैं ये एशी ब्राउन सा कलर यूज करूंगी अपने क्रीज के ऊपर। क्रीज में मैं अच्छे से एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। इससे एक थोड़ा सा स्मोकी सा इफेक्ट आएगा। उसके बाद मैं ये वाला आई शेडो यूज करूंगी अपने पूरे आईलिड पे। और ये कलर काफी मेरे स्किन से काफी मैचिंग है, आप बोल सकते हो। अभी मैं आई शेडो के एजेस को थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी। उसके बाद मैं ये वाला कलर अपने पूरे आईलिड में अप्लाई कर रही हूँ, और इस तरह के शिमरी आई शेडो फिंगर की मदद से काफी अच्छे से लग जाते हैं, और पिगमेंटेशन भी आपको काफी अच्छा मिलता है। उसके बाद मैं ये ब्लू कलर का एसक्यू का आईलाइनर यूज कर रही हूँ। आप पूजा में कोई भी दिन अगर ब्लू कलर की ड्रेस पहने, तो आप ये वाला आई मेकअप कर सकते हो। और मैं एक सिंपल विंग आईलाइनर ड्रॉ करूंगी, और अगर आपके पास नहीं है, तो आप ब्लैक कलर का भी आईलाइनर यूज कर सकते हो। और आप देख सकते हो मैंने किस तरह से विंग आईलाइनर ड्रॉ किया है बहुत ही आसानी से। आप चाहे तो यही तक रख सकते हो आई मेकअप को, ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा डे टाइम में। और अगर आप अपने इस ब्लू आईलाइनर को थोड़ा सा ग्लैम अप करना चाहते हो, तो मैं इस तरह का एक ब्लू आई शिमरी आई शेडो लूँगी, एंड इस तरह के ब्रश में, ये वाला ब्रश, ये मार्स आई शेडो पैलेट के साथ ही आया है, एंड इसको मैं अपने ब्लू आईलाइनर के ऊपर अप्लाई करूँगी। इससे जो मेरा आईलाइनर है, और भी थोड़ा सा ग्लॉसी दिखेगा, एंड पूजा में जो बहुत सारा लाइटिंग होता है, उसके साथ ये आई मेकअप आपका बहुत ही अच्छा दिखेगा। अभी मैं अपने आईलैश को थोड़ा सा कर्ल कर लूंगी। उसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी।
ये है मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा, काफी अफोर्डेबल भी है एंड काफी अच्छा मस्कारा है। उसके बाद हम फेस मेकअप स्टार्ट करेंगे। अगर आपके फेस पे डार्क सर्कल या फिर डार्क स्पॉट्स नहीं है तो आप कंसीलर स्किप कर सकते हो, और अगर है तो आप उसको थोड़ा सा कंसील कर सकते हो। मैं यहाँ पे सेम मेबलिन का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं पॉन्स का बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये डे टाइम के लिए काफ़ी अच्छा है, इस पर SPF भी है एंड ये स्किन के ऊपर काफ़ी लाइट है, तो आपको गर्मी में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड ब्रश की मदद से ब्लेंड करने से आपको काफ़ी अच्छा एक कवरेज भी मिलेगा। उसके बाद मैं सेम लैक्मी कॉम्पैक्ट की मदद से अपने फेस को सेट कर लूँगी। अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप लूज पाउडर का यूज़ कर सकते हो, उससे जो आपका स्किन होगा काफ़ी मैट रहेगा। उसके बाद मैं सेम आईब्रो पेंसिल ब्राउन कलर का अपने लोअर लैश लाइन में अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो ब्लू विंग्ड आईलाइनर है वो काफ़ी ड्रामेटिक है, इसलिए मैं लोअर लैश लाइन थोड़ा सा नेचुरल रख रही हूँ। उसके बाद मैं मस्कारा अपने लोअर लैशेस में अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं मेबलिन का ये मास्टर कॉन्टूर पैलेट यूज़ करूँगी, उसमें से मैं ये ब्लश एंड हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। आज मैं कॉन्टूर नहीं करूँगी, थोड़ा सा ब्लश आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप टोटली स्किप कर सकते हो। उसके बाद मैं थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, इससे हमारा फेस जो है काफ़ी ग्लोई ग्लोई सा लगता है एंड इतना पूजा में इतना रौनक होता है इसके साथ, तो आपका फेस भी काफ़ी अच्छा लगेगा। लिपस्टिक के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप डे टाइम के लिए एक न्यूड लिपस्टिक चाहते हो तो आप ये नायका का नॉटी न्यूड लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपके पसंद का कोई भी न्यूड लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हो। एंड जो भी प्रोडक्ट डिटेल्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इसके अलावा अगर आप कोई ब्राइट लिपस्टिक चाहते हो तो मैं ये मेबलिन का पाउडर मैटी लिपस्टिक इन दी शेड अप टू डेट आपको सजेस्ट करूंगी। ये काफ़ी अच्छा ब्राइट पिंक कलर है एंड इस तरह का ब्राइट पिंक कलर भी इस तरह के आई मेकअप के साथ बहुत अच्छा दिखेगा। और ये है दोस्तों फाइनल लुक। आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा एंड कौन सा लिपस्टिक का शेड आपको ज़्यादा अच्छा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे आप सबके कमेंट पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड दोस्तों मेरा ये पूजा एंड नवरात्रि मेकअप सीरीज़ के सारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। আজকের এই ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আই হোপ আপ সবকো মেরা ইয়ে ভিডিও আচ্ছা লাগা, আপকো কেসা লাগা আপ মুঝে জরুর কমেন্ট করকে বতানা, আর আগর আপকো আচ্ছা লাগে তো ইসকো জরুর লাইক করনা, আপনে ফ্রেন্ডস কে সাথ ফ্যামিলি কে সাথ WhatsApp এন্ড Facebook এন্ড আদার সোশ্যাল মিডিয়া পে জরুর শেয়ার কিজিয়েগা, আর মেরে পুরা ইয়ে মেকআপ সিরিজ কে বহুত সারি ভিডিওস দেখনে কে লিয়ে মেরে চ্যানেল কো জরুর সাবস্ক্রাইব কিজিয়েগা। আজ কে লিয়ে ইতনা হি, तार तारी आशु मतलब जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब